हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हमने 48 में 9.23 का डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, यहाँ पर इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, अपना पॉइंट हटा देना। देखिए, जब भी पॉइंट वाला डिवाइड दिखे हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, जिससे कि वो हमारा नॉर्मल डिवाइड में कन्वर्ट हो जाए। और नॉर्मल डिवाइड हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आसानी से करना जानते हैं। ये पॉइंट हट गया, ऊपर आ गया गुणा एक। पॉइंट के बाद कितने, दो अंक है तो दो जीरो आ गए। ऊपर कितना बन गया, 48। नीचे कितना आ गया, 923। तो हम क्या लिख सकते हैं, 923 का डिवाइड करना है किसमें, 4800 में। इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या से बड़ी हो। देखिए ध्यान से, जितने अंक की संख्या पहले उतने अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 923 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि हमें कितने अंकों को लेना है, कि भाई तीन अंक की संख्या तो उसके लिए तीन अंक लें या चार अंक लें, तो वो इस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ आ गया 4800। अब इसको हम एक से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो हमने 923 को गुणा किया किससे, इसको गुणा कर दिया हमने 5 से। 5 3 15, 10 और 1 11, 1 के चले गए 45 और 1 46। तो भाग गया कितना, 5 बार कितना आ गया, 4615। फिर हमने इसको घटाना है, घटाने पर कितना रहे, 5 8 और 1। ठीक है, अब क्या करें, ध्यान से देखो, जो घटाने पर संख्या है वो आपकी छोटी है, किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें, किसका डिवाइड करें, 923 का। तो आप देख सकते हैं 923 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें, अब आगे डिवाइड करने के लिए यहाँ जब कोई भी अंक नहीं रहता तो पॉइंट लेते हैं, इसके साथ जीरो लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से कितना गया, 6 4 18। फिर हम इसको घटाएंगे, कितना आ रहा है, 4। पॉइंट लगा रखा है, जीरो लिख देंगे। क्या ये 923 से बड़ा है, देखिए पॉइंट की वजह से जीरो लिखने के बाद देखना है, बाद में भी बड़ा नहीं है तो डिवाइड कितनी बार होगा, 0 बार होगा। कैसे, 923 को हम 0 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 0 आता है। फिर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। क्या बड़ा है, अभी भी बड़ा नहीं है, तो फिर डिवाइड होगा 0 बार। फिर तीसरे स्टेप में जाकर आपका डिवाइड होगा, तो ये आ गया आपका भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक हमने छोटा सा डिवाइड करना सीखा।